वेलकम फ्रेंड्स, ऑल अबाउट कुकिंग बाय भावना। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक स्पेशल आइसक्रीम संडे। मैं इसके वेफल्स आपको बनाना सिखाऊंगी, ये कोन आपको बनाना सिखाऊंगी और आप किस तरीके से इसमें सिरप और आइसक्रीम और नट्स के साथ अपना ये संडे बना सकते हैं बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट। आइसक्रीम वेफल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1/4 कप ऑयल, आप बटर भी ले सकते हैं मेल्टेड, मैंने कनोला ऑयल लिया है। 1/4 कप ऑयल के बाद हम लेंगे 1/4 पाउडर शुगर, 1/4 इसे मैं हैंड ब्लेंडर से मिक्स करूंगी। दो से तीन मिनट ये करने के बाद मैंने 1 TSP, 1 टीस्पून मैंने इस पर वनीला एसेंस लिया है। इसके बाद मैं लूँगी 1 पिंच सॉल्ट, जो नॉर्मल वाइट सॉल्ट आप यूज़ करते हैं। इसके बाद जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 कप मैदा। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने छान कर रखे हुए हैं, आप भी इसको छान कर ले। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून सोडा, बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये सब डालने के बाद इसमें जाएगा 1/4 कप मिल्क। इन सबको हम मिक्स करेंगे। ये अभी हमारा बैटर गाढ़ा है, इसमें मैंने 1 कप गुनगुना पानी लिया है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। हमें इसमें इस तरीके का बैटर चाहिए जो ना ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। अभी हमारा बैटर गाढ़ा है, इसमें गुनगुना पानी है। इसको आप बीटर से नहीं करेंगे, इसको आप स्पैचुला से ही मिक्स करेंगे। ईजिली ये आपका बैटर मिक्स हो रहा है। इसमें मैंने 1 कप पानी लिया था, बट इसमें मेरा हमें इतना पतला बैटर चाहिए। इसमें मेरा पानी बच गया है, 1/4 कप मेरा पानी बचा हुआ है। इस हिसाब से इसमें 1/3-1/4 कप पानी गया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। हमें इतना पतला बैटर हमें चाहिए अपने आइसक्रीम वेफल्स बनाने के लिए। हमें इस तरीके से अपना बैटर लेना है एक नॉन स्टिक पैन में। हमारे चीले की तरह हमें पतला चाहिए, इस तरीके से आप एक चीले की शेप में इसको बनाइए। और ये हमारा सिम गैस पे 2 से 3 मिनट्स तक बनेगा। मैंने इसको एकदम मीडियम, एकदम लो फ्लेम पे इसको छोड़ दिया है 2 से 3 मिनट्स तक। अब ये बोथ साइड हम इसे कुक करेंगे। दोनों साइड से सेक लिया, अब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे। ये मेरा एक बाउल है कांच का, इसके ऊपर मैंने इसे रखा। अब हमें इसे एक वेफल की शेप देनी है। मैंने एक नॉर्मल सी कटोरी ली, ये बहुत डेलिकेट होता है, ये टूट ना जाए, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से इसके अंदर इसको डालना है। ये देखिए बहुत इजीली, थोड़ा सा टिकी होता है, इसको अंदर रखिए। इसको इसके अंदर हमें कटोरी रखनी है। ये कटोरी हमें तब तक रखनी है जब तक ये हमारा वेफल कम्प्लीटली ठंडा नहीं हो जाता। ठंडा होने में 5 से 10 मिनट लगेंगे और जब ये निकलेगा तो ये बहुत ही अच्छी वेफल वाली शेप में निकलेगा। मैंने एक और बनाया है, इसको मैंने कपड़े पे रखा। ये मेरे पास इस तरीके का ग्लास है, मैं इसमें कोन की शेप देने की कोशिश करूँगी। ये देखिए ये ग्लास के अंदर गया, मेरा कोन का शेप आ गया इस तरीके से। और इसको मैं तब तक इसके अंदर रखूँगी जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। इसके बाद हमारा एक वेफल कोन रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैंने अपने इस तरीके से ये वेफल्स तैयार किए हैं। अब मैंने ये मेल्टेड चॉकलेट ली है, मेल्टेड चॉकलेट मैं इसके कॉर्नर्स पे लगाऊंगी इस तरीके से। मेल्टेड चॉकलेट अप्लाई करेंगे ऐसे आराम से साइड साइड में।
मेरे पास इस तरीके के स्प्रिंकल्स हैं, मैं इनके ऊपर ये डस्ट कर दूँगी। जब तक ये ड्राई होंगे तब तक ये स्प्रिंकल्स भी सूख कर एक अपना डिज़ाइन छोड़ देंगे। मैंने ग्लास में इस तरीके से, आप देखिए इस ग्लास में मैंने ये कोन रखी थी, इसने कोन का प्रॉपर शेप ले लिया है। देखिए अब मैं इस कोन के ऊपर भी ड्राई अपनी मेल्टेड चॉकलेट अप्लाई करेंगे इस साइड, ऐसे आराम से। बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत ही क्रंची हो गए हैं इस टाइम पे, ये प्रॉपर सूख कर दोनों साइड। मैं बाहर भी थोड़ी सी चॉकलेट लगाऊंगी, दोनों साइड से हम थोड़ी सी आगे थोड़ी सी पीछे इस तरीके से हम चॉकलेट लगाएंगे। अब इस तरीके के स्प्रिंकल्स मार्केट में मिलते हैं, मैंने अमेज़ॉन से ये बाय किया है, आप ले सकते हैं। इधर थोड़ा प्लेट में रख के मैं इसको ऐसे स्प्रिंकल्स करूँगी। ये देखिए हमारा कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन, हमारा ये कोन बिल्कुल मार्केट जैसा रेडी हो गया है। ऐसे देखिए इस साइड से भी मैं स्प्रिंकल्स कर दूँगी। और अभी अभी हमारा इसमें हाफ काम हुआ है, अभी जब हम इसमें चॉकलेट डालेंगे सिरप्स डालेंगे तो ये हमारा जो कोन जब बनके एकदम कंप्लीट हमारी डिश रेडी होगी तो वो बहुत ही टैम्पटिंग लगेंगी और कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये आपने घर में बनाई है। इसी तरीके से मैंने दो कोन बनाए हैं और दो डिज़ाइंस बनाए हैं इस तरीके से अपने बॉल में। ये मैं पूरा रेडी करके आपको दिखाती हूँ कि लास्ट इस तरीके से मैंने मेरे सारे कोन्स रेडी कर लिए हैं डेकोरेट करके। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी है ये। अब मैं आपको एक रेडी करके बताती हूँ कि आप इसमें अपना आइसक्रीम संडे कैसे बनाए। मैं आपको ये वाला अपना बाउल जो मैंने बनाया है वेफल्स का, ये मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। इसके लिए मैं लूँगी 1 स्कूप चॉकलेट आइसक्रीम। ये थोड़ा बड़ा सा है, मैं एक बड़ा सा संडे फैमिली संडे आज अपने लिए फैमिली के लिए बनाने जा रही हूँ। 2 स्कूप चॉकलेट आइसक्रीम, 1 स्कूप बटर स्कॉच, 1 मोर बटर स्कॉच, देयर इज़ अ 4 स्कूप ऑफ आइसक्रीम, हियर सम कैरेमल सॉस। ये देखिए ये इस तरीके से मैंने ली है कैरेमल सॉस, आप ऊपर से स्प्रिंकल करिए। सम बटर स्कॉच सॉस, सॉस आप अपने अकॉर्डिंग, आइसक्रीम आप अपने अकॉर्डिंग जो फ्लेवर आपको पसंद है, जो सॉस आपको पसंद है, एंड सम चॉकलेट सॉस। आप इसमें गनाश यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं, एंड सम नट्स, एंड सम नट्स। लुक एट दिस फ्रेंड, अगर आप किसी को ये, किसी गेस्ट को के आगे ये सर्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिलीव ही नहीं करेगा कि आपका होममेड आइसक्रीम संडे है। सो